जो भी और मदद चाहिए वो मदद करने के लिए तैयार है। तो आपको मालूम है जैसे जब से हमारी देश की परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में जब दायित्व लिया तब से असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उन्होंने बहुत मजबूत कदम उठाए, जिसके वजह से आज विकास के रास्ते पर असम का साथ साथ नॉर्थ ईस्ट अभी जोर से चलने लगा है। इसके लिए हमारा पूर्ण यही विश्वास है कि अगले दिनों में हम सड़क निर्माण के सिलसिले में, पुल निर्माण के सिलसिले में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी का 5 साल के कार्यक्रम के अंदर, इस कार्यकाल के अंदर उन्होंने 3 पुल, बड़े बड़े 3 पुल का काम पूरा किया और साथ साथ में अगले दिनों में और भी 5 पुल ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के ऊपर बनाने का जो निर्णय किया गया है। तो इसलिए यही हम लोगों का मानना है कि अगले दिनों में और भी हमें आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। कितना फायदा मिलेगा आपके स्थानीय लोगों को? बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि विकास के लिए सबसे बड़ा कंडीशन है कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, और कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के सिलसिले में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरेस्ट और जो हमें सहयोग किया है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट वेरी फोकस रीजन बन गया है सारे देश के। देखिए एक बात स्पष्ट है, हमारी जो कल्चरल जो वैल्यू है असम के अंदर, देश के अंदर, किसी भी हालत में कोई भी शक्ति को इसको बर्बाद होने नहीं देंगे, इसका किसी का पास अधिकार नहीं है। जो जिन्होंने भी इस बीच मतलब ऐसा घृणनीय काम में शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू किया गया है, और ये स्पष्ट है nobody will be spared, all the culprits will be brought to the book and will be given exemplary punishment.